स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 4, द यूनियन लेजिस्लेटर द पार्लियामेंट। इसमें हम यूनियन लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट किस तरह से बनती है, कैसे फंक्शन करती है, उसका कामकाज कैसे होता है, पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव का यानी कि उन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विथ इट्स पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन। क्या कहा गया कि इंडिया की मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशंस के साथ ही वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाए तो इंडिया है वो, और इंडिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे। नंबर वन पॉपुलेशन में आपका चाइना है, उसके बाद इंडिया है, ठीक है। तो अपने 1 बिलियन पॉपुलेशंस के साथ इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश हमारा देश है इंडिया। आफ्टर हर इंडिपेंडेंस इन 1947 फ्राम द ब्रिटिश, इंडिया मॉडल्ड हर गवर्नमेंट ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बेटा हम लोग जैसा कि जानते हैं 1947 की आज़ादी के बाद हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बेस्ट पर जिस तरह ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसी फॉर्म के तहत इंडिया में भी गवर्नमेंट बनी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ एवर सम ऑफ द हेल्दी ट्रेडिशंस फाउंड इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज हैव आल्सो बीन पिक्ड अप टू मेक द इंडियन कंडीशंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे ब्रिटेन से जो कि ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है, उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं और ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से और बाकी और कई यूरोपियन कंट्री से भी अपनाई गई हैं ताकि हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको और भी स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके, उसको मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। हमारी डेमोक्रेसी को जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए देश और भी जो है कई देशों से सिस्टम को अपनाया गया है। आगे समझते हैं। मीनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन विच द इलेक्टेड पार्लियामेंट एक्सरसाइज सुप्रीम अथॉरिटी इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसमें कहा गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे देश को चलाने के लिए वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब उनका चुनाव हमारे देश की जनता के द्वारा होता है। पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी हु आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडियन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके प्रतिनिधियों का चुनाव हमारे देश की जनता करती है, हमारे इंडिया के सिटीजन्स करते हैं, और इनका चुनाव जो है, इनका जो इलेक्शन है वो यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, किसी भी धर्म समुदाय को के हों, लोग 18 साल से ऊपर हों, उन सभी लोगों को जो वोट कास्ट करने का राइट होता है उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, क्लियर। यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कई पोलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, उनका चुनाव हमारे देश की जनता के द्वारा यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर किया जाता है। इट इज़ दस अ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधियों की गवर्नमेंट है। इट इज़ थ्रू द पार्लियामेंट दैट द सोवरेन विल ऑफ द पावर फाइंड एक्सप्रेशन। इसमें कहा गया कि जो पार्लियामेंट में उसमें लोगों की सोवरेन मतलब लोगों की इच्छाओं के अनुसार यहाँ लोग चुने जाते हैं और ये लोग अपने विल को, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
यानी कि सोवरेन विल ऑफ द पीपल लिखा है, मतलब कि जो संप्रभुता है, सर्वाधिक शक्ति है, वो तो देश की जनता के हाथ में निहित होती है, क्योंकि यही हमारी जनता जो है यही पार्लियामेंट को इलेक्ट करती है। आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन एंड द गवर्नमेंट। तो हमारे संविधान का 79 आर्टिकल कहता है कि एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए एक पार्लियामेंट संसद होगी, जिसमें कि जो गवर्नमेंट होगी वो लेजिस्लेटर, जो लेजिस्लेटर हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उनके प्रति जवाबदेह होगी। तो सरकार जो है वो लेजिस्लेटर के प्रति जवाबदेही होती है, उसका जवाब देना पड़ता है, और जो लेजिस्लेटर होते हैं वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब उनकी जवाबदेही लोगों के प्रति होती है, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं, जो सिटीजन है हमारे देश के, उन्हीं के पास संप्रभुत्व पावर होता है, सोवरेन पावर होता है, ठीक है। अल्टीमेट सोवरेन पावर जो है वो देश की जनता के पास होता है। थोड़ा और आगे समझते हैं। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर हु इलेक्टेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम अदर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें देखिए, जो पार्टी मेजोरिटी में होगी, ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो पार्टी मेजोरिटी में होगी, उसी मेजोरिटी पार्टी में से जो लोग का मुखिया होगा, सभी एमपी लोगों का, उसी में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, जो कि मेजोरिटी पार्टी का लीडर कहा जाएगा, और फिर वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रिपरिषद का चुनाव करता है बाकी पार्लियामेंट में से, ठीक है। जैसे कोई पार्टी मेजोरिटी में जाएगी तो मेजोरिटी पार्टी का जो मुखिया होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर देश को चलाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव करता है, जो कि वो लोग भी पार्लियामेंट के ही मेंबर कहे जाते हैं। कीपिंग इन माइंड दियर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ठीक, अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, हाउएवर द इंडियन सिस्टम हैज द प्रेसिडेंट हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो कहा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम की तरह नहीं, इंडिया में एक प्रेसिडेंट भी होता है जो कि सभी एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। एग्जीक्यूटिव नंबर एक आपके आते हैं प्रेसिडेंट, नंबर दो पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जितने एग्जीक्यूटिव होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनका हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है। बट ही आर हीज पावर आर नॉट एक्सक्लूसिव वेस्टेड ओनली इन हीज ऑफिस लाइक दैट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन जो भारत का प्रेसिडेंट है उसे अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह उसको पावर नहीं दिया गया है। ही आर सी इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया का, वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह या उसकी बात मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होता है, मतलब मानना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर ही कोई काम कर सकता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर ही कोई काम कर सकता है, अपने मन से नहीं करेगा जो प्रेसिडेंट है हमारा। दिस मेक द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब इससे ये इस बात का पता चलता है कि जो पार्लियामेंट, जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सबसे पावरफुल पर्सन होते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को सरकार चलाना होता है, मेजर डिसीजन पार्लियामेंट के लोग ही लेते हैं। हाउ एवर द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ द राइट टू डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट फील ही आर सी इज़ नॉट डूइंग जॉब ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लेजिस्लेटर। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये प्रॉब्लम है बेटा कि अगर प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेटरों के हिसाब से काम नहीं कर रहा, उनके उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो किसी भी समय प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ा कि हमारा देश, हमारी इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन भी जो कि वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर है चाइना के बाद। तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसने क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, जिससे कि जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पर
ब्रिटेन में पार्लियामेंट फॉर्म जो गवर्नमेंट है उसी पर आधारित है। हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और मजबूत बनाने के लिए और भी कई देशों से, जैसे कि यूएसए और यूरोप कुछ कंट्री से कुछ नियम कानून उठाए गए, लिए गए वहाँ से, ताकि हमारी डेमोक्रेसी और भी स्ट्रांग रहे। फिर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब समझा। हमने इसमें कहा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और देश पे गवर्न करने के लिए, शासन चलाने के लिए वो जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव करता है, ठीक है। और इन सभी लोगों का चुनाव जो एमपी होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उनका चुनाव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होता है। दरअसल बेटा पार्लियामेंट तो दरअसल तीन लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, जिसमें से केवल जो लोकसभा के मेंबर होते हैं मतलब जो एमपी होते हैं उन्हीं लोगों का चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होता है, जबकि राज्यसभा के मेंबर का या प्रेसिडेंट का नहीं होता एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। ये लोग इनडायरेक्टेड इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 79 आर्टिकल में कहा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मतलब संसद के बारे में आर्टिकल 79 में कहा गया है। और जो गवर्नमेंट होगी वो संसद के और लेजिस्लेटर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक, और ये लोग जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो मेजोरिटी पार्टी का नेता होगा प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर देश में चलाने के लिए क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव करता है, और ये लोग पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं, ठीक। तो लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह सारा पावर नहीं है हमारे प्रेसिडेंट को। हमारा प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव का हेड तो होता है, लेकिन सभी कामकाज जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है, ठीक है। अगर वो उनके हिसाब से काम नहीं करता है तो उनको डिसमिस करने का भी प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।